ट्वाइलाइट दुनिया के बेहतरीन स्पाई एजेंट्स में से एक था। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन मुल्क ऑस्टानिया एक वॉर की तैयारी कर रहा है। उस वॉर को रोकने का टास्क वो अपने सबसे काबिल एजेंट ट्वाइलाइट को देते हैं। ट्वाइलाइट इससे पहले भी बहुत सी वॉर्स और मिशंस को कंप्लीट कर चुका था। वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने में भी माहिर था। उसकी लाइफ काफी बिजी थी। अपनी जॉब की वजह से वो एक असली फैमिली और असली आइडेंटिटी नहीं रख सकता था, लेकिन अब वो इस सब का आदी हो गया था और चाहता था कि दुनिया में हमेशा अमन रहे और कोई भी बच्चा कभी न रोए। तभी ट्वाइलाइट को एक नया मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको डेसमंड डोनोवन नामी एक बंदे पे नजर रखनी थी, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान के ताल्लुक को खराब कर रहा था। लेकिन इस मिशन के लिए उसको एक फेक वाइफ और एक बच्चे की जरूरत होगी, जो कि डेसमंड के बेटे से दोस्ती करेगी, ताकि ट्वाइलाइट डेसमंड पे नजर रख सके। अब वो अपना मिशन शुरू करता है। वो बर्लिन पहुंचता है और वहां जाके अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है और अपना नाम लॉयड फॉर्जर रखता है और अपने लिए घर भी खरीद लेता है, जिसमें वो अपनी आने वाली फैमिली के साथ रह सके। अब वो एक ऑर्फनेज जाता है, जो शहर से दूर था और गवर्नमेंट में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ताकि वो एक बच्ची को पाल सके। वो देखता है कि उस ऑर्फनेज का ऑनर नशा करता है और वो वहाँ का ख्याल भी नहीं रखता, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद बच्चों की हालत भी अच्छी नहीं। लॉयड ऑनर को बताता है कि उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिस पर वो ऑनर उस ऑर्फनेज की सबसे लायक बच्ची आन्या के पास उसे ले जाता है। लॉयड को यकीन नहीं था कि उस ऑर्फनेज का कोई भी बच्चा उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता होगा, लेकिन फिर आन्या ने उसको एक पजल सॉल्व करके दिखाई, जिसको देख के लॉयड आन्या को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचने लगता है और ऑनर से बात करके उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि आन्या एक टेलीपैथ है, यानी वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती थी, और लॉयड का माइंड पढ़ के ही उसने वो पजल सॉल्व किया था, यानी वो खुद कुछ भी नहीं जानती थी। दरअसल आन्या को कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के लिए यूज किया था और उसे टेलीपैथ की पावर वहीं से मिली थी, लेकिन वो अपनी इस पावर के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। अब आन्या को अपनी टेलीपैथ पावर की वजह से पता चल गया था कि लॉयड एक स्पाई है और वो एक फेक फैमिली बना रहा है, लेकिन आन्या को इस सारे प्रोसेस में मजा आ रहा था, जिस पर वो लॉयड को उसके मिशन में ज्वाइन कर लेती है। लॉयड उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ। वो खुद बहुत सी बुक्स पढ़ता है, ताकि वो ये समझ सके कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। दूसरी तरफ आन्या को जासूसी में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और वो स्पाई शोज भी बहुत शौक से देखती थी। लॉयड जब भी घर से बाहर जाने लगता है तो आन्या भी उसके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि वो लॉयड के काम को देखना चाहती थी। लेकिन लॉयड उसे घर में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने असिस्टेंट फ्रेंकी से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि आन्या को 4 मुख्तलिफ पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, लेकिन हर बार उसे बगैर वजह के छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ आन्या घर में बोर हो रही थी, तो वो लॉयड के ब्रीफ केस के साथ खेलने लगती है और गलती से उसके दुश्मनों को सिग्नल दे देती है, जिससे लॉयड के घर पे उसके दुश्मन हमला कर देते हैं और आन्या को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि आन्या ट्वाइलाइट की बेटी है। दूसरी तरफ लॉयड को भी ये सब पता चल जाता है, तो अपने घर पहुंचकर उन सभी को मार भगाता है और आन्या को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाता है जहां आन्या को किडनैप करके रखा गया था। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके सबको धोखा देता है और आन्या को बचा लेता है। अब वो उस किडनैपर को गन पॉइंट पे कहता है कि अगर तुमने मेरे काम में मुदाखलत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, जिस पर वो किडनैपर डर जाता है और लॉयड को वहां से जाने देता है। लॉयड सोचता है कि आन्या उसके मिशन के लिए ठीक नहीं, इसलिए वो उसे वापस ऑर्फनेज भेज देगा। ये सब आन्या भी सुन लेती है, जिस पे वो काफी डर जाती है, लेकिन लॉयड उसे अपने साथ ही रखता है और उसके साथ एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद ईडन स्कूल में आन्या का एडमिशन होना था। दरअसल ये उस शहर का सबसे ऊंचा स्कूल था और उसी में डेसमंड का बेटा भी पढ़ता था। अब वो दिन भी आ जाता है जब आन्या का एडमिशन टेस्ट होना था। एडमिशन टेस्ट में आन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी टेलीपैथ पावर के जरिए पास बैठे बच्चों के माइंड्स पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन रिजल्ट आने पे आन्या पास हो गई थी। अब दूसरा स्टेप था फैमिली इंटरव्यू, जिसके लिए लॉयड को एक फेक वाइफ की जरूरत थी। दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की योर दिखाई जाती है, जिसको उसकी फ्रेंड्स इस बात से चिढ़ाती हैं कि अभी तक वो सिंगल क्यों है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी योर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। असल में योर कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक टॉप असैसिन थी, जिसको लोग थॉर्न प्रिंसेस के नाम से जानते थे। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और बहुत सी एजेंसीज के लिए काम करती थी, इसी वजह से लोग उससे डरते थे। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी किसी को भी पता चले, इसलिए वो एक नॉर्मल लड़की दिखने के लिए अपनी दोस्तों से झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर उसे एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने का इनविटेशन मिलता है। अब योर को एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए था, ताकि वो पार्टी को अटेंड कर सके। दूसरी तरफ फ्रेंकी और लॉयड को अपनी फेक फैमिली को कम्प्लीट करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, जिसके लिए वो और फ्रेंकी 100 से ज्यादा फाइल्स को देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। लॉयड को लगता था कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए होगी जो उनके मिशन के बारे में ना जानती हो। इसके बाद लॉयड आन्या को लेके एक टेलर शॉप पे जाता है, ताकि उसके स्कूल
के लिए उसके कपड़े सिलवाए जा सके। तभी उसे वहाँ पर योर दिखाई देती है। योर वहाँ पार्टी के लिए अपना ड्रेस सिलेक्ट करने आई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था। तभी लॉयड उसे देखता है, क्योंकि योर का नाम उस लिस्ट में शामिल था जिसको वो और फ्रेंकी देख रहे थे, जिस पर योर लॉयड से पूछती है कि वो उसे क्यों देख रहा है। लॉयड उसे बताता है कि उसने उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। ये सुन के योर ब्लश करती है और सोचती है कि अगर वो लॉयड को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना ले तो वो पार्टी में जा सकती है। यहाँ लॉयड को भी एक फेक वाइफ की जरूरत थी, लेकिन आनिया को देखने पे वो अपना प्लान चेंज कर लेती है, क्योंकि लॉयड एक शादीशुदा आदमी था। आनिया योर के बारे में जान गई थी कि वो एक असैसिन है। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक स्पाई फादर और एक असैसिन मदर उसका ड्रीम था और वो उस फैमिली के साथ रहना चाहती थी, जिस पर वो फौरन ही योर को बताती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। योर लॉयड से पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसका फेक बॉयफ्रेंड बन के एक पार्टी में चलेगा, जिस पर लॉयड उसके साथ डील करता है कि वो आनिया की फेक मदर बने ताकि आनिया का एडमिशन ईडन स्कूल में करवाया जा सके, और इस तरह उनकी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अब अगले दिन लॉयड अपने किसी मिशन की वजह से लेट हो जाता है, जिस पर योर अकेले उस पार्टी में चली जाती है, मगर उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे तंग करती हैं। लेकिन तभी लॉयड वहाँ आ जाता है और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था, जिस पर वो बहाना बनाते हुए सबको बताता है कि एक एबनॉर्मल पेशेंट की वजह से थेरेपी के दौरान उसके चेहरे पे ये सब खून लग गया, लेकिन गलती से वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को खुद को योर का हस्बैंड बता देता है। अब पार्टी के बाद वही गुंडे उन पे दोबारा अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों काफी आसानी से उन्हें हरा देते हैं। फाइट के दौरान लॉयड योर की स्किल्स देख के काफी हैरान था, और वहीं पर वो एक पिन से बनी फेक रिंग उसे पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को फेक हस्बैंड वाइफ बना लेते हैं। अब अगले दिन योर अपना सामान लेके लॉयड के घर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर बन जाती है एक हैप्पी फैमिली, जिसमें मॉम एक असैसिन थी, फादर एक स्पाई था और बेटी एक टेलीपाथ। ये एक फेक मैरिज थी, इसलिए उन सभी के कमरे अलहदा अलहदा थे। फ्रेंकी उनका एक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा देता है जो एक साल पहले का था, ताकि किसी को शक न हो। अब लॉयड आनिया के स्कूल इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में आनिया के पेरेंट्स का फैमिली इंटरव्यू होना था। अब लॉयड प्रैक्टिस के लिए उन दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिसके जवाब आनिया को पता थे और ना ही योर को। तो लॉयड को रियलाइज होता है कि उसे अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि वो सब एक दूसरे को जान सके। अब वो सभी एक फैमिली पिकनिक पे बाहर जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो एक होटल जाते हैं और उसके बाद आनिया के लिए कपड़े खरीदने एक लोकल टेलर शॉप पे। वापस आते समय रास्ते में लॉयड एक चोर को पकड़ता है, क्योंकि उसने एक बूढ़ी औरत का वॉलेट चुराया था। लेकिन तभी लॉयड को रियलाइज होता है कि वो एक स्पाई है और लोग उसे देख रहे हैं, तो वो वहाँ से वॉलेट लेके भाग जाता है और वो वॉलेट उस बूढ़ी औरत को दे देता है, जिस पर वो बूढ़ी औरत उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। अब अगले दिन वो सभी ईडन स्कूल जाते हैं, जहाँ पे आज उनका फैमिली इंटरव्यू था। लॉयड देखता है कि वहाँ पर उन सभी पे नजर रखी जा रही है और टीचर्स का एक ग्रुप उनकी मूवमेंट्स को नोट कर रहा है। उस ग्रुप के लीडर का नाम हेनरी हेंडरसन था, यानी उनका इंटरव्यू अभी से स्टार्ट हो चुका था। लॉयड और फैमिली ईडन स्कूल के लीडर के स्टैचू को सैल्यूट करते हैं। ये देख के हेनरी उनसे इम्प्रेस होता है और आनिया की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, लेकिन आनिया की राइटिंग देख के वो सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। अब एक बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है, जिस पर लॉयड उसको बचा लेता है। इस सभी में लॉयड के कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन फैमिली अपने कपड़ों का एक और सेट भी लाए हुए थी। इस सब देख के हेनरी उनसे और इम्प्रेस होता है। अब वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए उन सभी पर जंगली जानवर छोड़ देता है, लेकिन लॉयड और फैमिली बहुत आसानी से खुद को उन सभी से बचा लेती है। इस सभी में उनके कपड़े दोबारा खराब हो जाते हैं, लेकिन वो अपने साथ अपने कपड़ों का एक और सेट भी लाए थे। ये सब देख के हेनरी कन्विंस हो गया था कि ये फैमिली काफी एलिगेंट है। इंटरव्यू का ये पार्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी लॉयड को फिक्र थी कि क्या वो इस मुश्किल इंटरव्यू के नेक्स्ट पार्ट को पास कर पाएगा या नहीं। लॉयड सोचता है कि उसने बहुत से मिशंस को कंप्लीट किया है और बहुत से लोगों की जान बचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो आज के दिन ही है, क्योंकि ये सब करना उसे काफी मुश्किल लग रहा था। और अगर आज का इंटरव्यू वो पास कर लेता है तो आनिया को स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अब उन सभी का एक मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जिसमें टीचर्स आनिया से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आनिया उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन जब एक टीचर आनिया से एक बैड क्वेश्चन करता है कि उसे अपनी पहली मदर अच्छी लगती थी या दूसरी, तो ये सुन के आनिया रोने लगती है। लॉयड ये देख के अग्रेसिव होता है और सामने रखी टेबल पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे टेबल पूरी टूट जाती है। लॉयड, जिसने हमेशा अपने मिशन को सबसे पहले रखा था, लेकिन इस बार वो अपनी फैमिली की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे स्कूल में आनिया का एडमिशन नहीं करवाना था जहाँ पर आनिया को उसके पेरेंट्स के बारे में अच्छा फील ना हो। लेकिन घर जाके वो सब काफी उदास थे, खास तौर पर लॉयड, जिसको रियलाइज होता है कि आज उसका मिशन उसकी अपनी ही वजह से फेल हो गया। लेकिन फिर भी वो सभी एक दूसरे को हौसला देते हैं। अब वो दिन आ ही जाता है जिस दिन आनिया का रिजल्ट अनाउंस होना था। उन्हें लगता है कि आनिया पास नहीं हो पाएगी, लेकिन आज भी वो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है कि आनिया फेल हो गई है। ये सुन के वो सभी काफी उदास होते हैं और वापस जाने लगते हैं।
हैं, लेकिन तभी उन्हें हेनरी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि आन्या के फादर के बिहेवियर की वजह से आन्या को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सका, लेकिन वो चाहता है कि लॉयड जैसी एलिगेंट फैमिली अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाए, इसलिए उसने आन्या का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। और जब भी कोई स्टूडेंट ईडन स्कूल को छोड़ेगा तो आन्या का एडमिशन इस स्कूल में खुद बखुद हो जाएगा। इस सुनकर लॉयड खुश तो होता है, मगर वो सोचता है कि कौन बेवकूफ होगा जो ईडन स्कूल को छोड़ेगा। योर सोचती है कि अगर वो किसी स्टूडेंट को उसकी फैमिली के साथ अटैक करके मार दे तो आन्या का एडमिशन इस स्कूल में हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। ये सभी बातें आन्या भी सुन लेती है। अब अगले दिन वो सभी स्कूल से आने वाली कॉल का इंतजार कर रहे थे। आन्या सभी के लिए क्यूट सा डांस भी करती है ताकि वो सारी अच्छी लक को अपनी तरफ बुला सके। और तभी उन्हें ईडन स्कूल से कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आन्या का एडमिशन स्कूल में हो गया है। ये सुन के वो सभी बहुत खुश थे। तभी फ्रैंकी उनके घर आता है और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने साथ कुछ ड्रिंक्स भी लाता है। सभी एक दूसरे के साथ बैठ के एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकी आन्या को बताता है कि लॉयड तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है, जिस पर आन्या उसे बताती है कि उसे किस तरह का गिफ्ट चाहिए। वो चाहती थी कि लॉयड एक स्पाई बन कर आए और उसे किडनैपर से बचाए और वो ये सब एक कासल में करे। अब इस सभी को करने के लिए लॉयड अपने दूसरे स्पाई साथियों को भी बुलाता है और आन्या की ये विश पूरी करता है, लेकिन इस सभी पर लॉयड ने गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च कर दिया था। योर ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अब अगले दिन वो सभी आन्या का यूनिफॉर्म सिलेक्ट करने टेलर के पास जाते हैं। जब टेलर को ये पता चलता है कि आन्या ईडन स्कूल में पढ़ेगी तो वो बताती है कि ईडन स्कूल के बच्चे बहुत शरारती होते हैं और वो नए आने वाले बच्चों को बुली भी करते हैं। इस सुनकर आन्या थोड़ी डर जाती है। इसके बाद लॉयड फैमिली को घर छोड़ के मिशन हैंडलर के पास जाता है ताकि उसे उसका न्यू मिशन पता चल सके, लेकिन मिशन हैंडलर उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने आन्या की विश को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। उसे बताती है कि उनका मेन टारगेट सिर्फ स्कूल की स्पेशल गैदरिंग्स को ही अटेंड करता है। स्कूल में 2500 बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें इम्पीरियल स्टूडेंट्स कहा जाता है। इम्पीरियल स्टूडेंट्स बनने के लिए उन्हें 8 स्टार्स कलेक्ट करने होते हैं। हैंडलर बताती है कि आन्या के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इम्पीरियल स्टूडेंट बने या फिर डेस्मंड के बेटे से दोस्ती करे ताकि लॉयड डेस्मंड के करीब हो सके। वो बताती है कि एक बुरा एक्ट करने पर इस स्कूल में एक वॉल्ट भी मिलता है। दरअसल यहाँ पर वॉल्ट सिस्टम भी था जिस पर बुरा एक्ट करने पर स्टूडेंट्स को वॉल्ट मिलते थे और जिस स्टूडेंट के 8 वॉल्ट कम्प्लीट हो जाते थे उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था। ये सुनकर लॉयड मुस्कुराता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर आन्या एक समझदार स्टूडेंट की तरह बर्ताव करेगी तो वो आसानी से उसके मिशन को कम्प्लीट करने में उसकी हेल्प कर सकती है। दूसरी तरफ आन्या और योर एक दूसरे के साथ मॉल में काफी इंजॉय करते हैं। आन्या अपने स्कूल यूनिफॉर्म में काफी क्यूट लग रही थी इसलिए वो उसी यूनिफॉर्म में मॉल में घूमने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आन्या को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें आन्या का यूनिफॉर्म देख के लगता है कि आन्या एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, लेकिन योर बहुत आसानी से उन्हें वहाँ से मार भगाती है और आन्या को बचा लेती है। आन्या अपनी मदर की परफॉर्मेंस देख के काफी इम्प्रेस होती है और वो योर से कुछ फाइट मूव सिखाने को कहती है। अब जब शाम को लॉयड घर आता है तो आन्या और योर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन लॉयड उन पे कोई तवज्जो नहीं देता। अगले दिन स्कूल सेरेमनी के लिए वो सभी स्कूल जाते हैं। यहाँ पर लॉयड अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आन्या स्टडीज में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो डेस्मंड के बेटे डैमियन से दोस्ती करे ताकि लॉयड डेस्मंड के करीब हो सके। वो आन्या को डैमियन के करीब जाके खड़े होने को बोलता है, लेकिन आन्या काफी कंफ्यूज थी इसलिए वो गलत जगह पे खड़ी हो जाती है। दरअसल वो एक लड़की बेकी के आगे खड़ी होती है, लेकिन जल्द ही वो लॉयड का माइंड रीड करके सारा प्लान समझ लेती है। प्लान के 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप आन्या को डैमियन के साथ दोस्ती करनी थी। स्टेप 2 डैमियन आन्या को लॉयड के साथ अपने घर बुलाएगा। स्टेप 3 लॉयड डैमियन के फादर डेस्मंड से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तभी वहाँ पर हेनरी आता है और उन्हें स्कूल के बोर्ड और स्टार सिस्टम के बारे में बताने लगता है। वो सभी बच्चों को स्कूल भी दिखाता है, लेकिन आन्या डैमियन से दोस्ती करने के बजाय उसे एक पंच मारती है क्योंकि डैमियन और उसके दोस्त आन्या और उसके फ्रेंड बेकी को बुली कर रहे थे। आन्या खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर हेनरी आता है। आन्या बताती है कि डैमियन और उसके दोस्त किस तरह उन्हें बुली कर रहे थे, तो हेनरी आन्या को एक बोल्ट दे देता है। वो लॉयड को बताता है कि वैसे तो वायलेंस करने पे 3 बोल्ट मिलते हैं, लेकिन मैं आन्या से इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए ये सब किया है, इसलिए उसको एक ही बोल्ट मिला है। ये सब सुनकर लॉयड काफी परेशान होता है क्योंकि आन्या ने ना सिर्फ डैमियन को पंच मार के उसके मिशन को बिगाड़ दिया था बल्कि अपने लिए एक बोल्ट भी हासिल कर लिया था। स्कूल फोटो में भी लॉयड और उसकी फैमिली काफी डिसअपॉइंट दिखते हैं। अब अगले दिन लॉयड आन्या से डैमियन को सॉरी करने को कहता है। आन्या उसे प्रॉमिस करती है कि वो डैमियन को सॉरी करेगी, लेकिन लॉयड को उस पर इतना यकीन नहीं था इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए उसके जासूसी करने जाता है। आन्या डैमियन को सॉरी बोलने ही वाली थी, लेकिन बेकी उसे बार बार रोक लेती है। ये देख के लॉयड को गुस्सा आता है। वो एक प्लान बनाता है ताकि वो बेकी को आन्या से दूर कर सके और आन्या डैमियन को सॉरी करके उसके मिशन में उसकी हेल्प कर सके। अब आन्या डैमियन को सॉरी करने जाती है, लेकिन डैमियन उससे शर्मा जाता है क्योंकि उसे उस पर क्रश हो गया था। अब वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख के लॉयड काफी परेशान होता है क्योंकि अब डैमियन और
आन्या एक दूसरे के कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते थे। घर आके लॉयड आन्या को पढ़ाने बिठा देता है, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो आन्या पे कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगता है। ये देख के योर उसे समझाती है कि छोटे बच्चे इतनी आसानी से चीजें नहीं सीखते, उन्हें टाइम देना चाहिए, न कि उन पे प्रेशर डालना चाहिए। अब लॉयड को एहसास होता है कि वो वाकई आन्या पे सख्ती कर रहा था, इसीलिए वो थकी हुई आन्या को उसके कमरे में सुला देता है और सोचता है कि अगर आन्या उसकी असली बेटी होती तो वो उसका कैसा फादर होता। अब अगले दिन उन सभी को एक बुरी न्यूज मिलती है कि योर का भाई योरी लॉयड और योर से मिलने आने वाला है। दरअसल योर ने अपने भाई को नहीं बताया था कि वो एक असैसिन है, और योरी ने भी योर को अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताया था कि वो एक सीक्रेट पुलिस एजेंट है। दूसरी तरफ लॉयड भी नहीं चाहता था कि उसके भाई को उनके बारे में कुछ भी मालूम हो और उनका सीक्रेट आउट हो, जिससे वो अपने मिशन को कंप्लीट न कर सके। योरी दरअसल एक मिशन पे था, और इस बार उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन का हस्बैंड लॉयड था। वो दूसरे मुल्कों के स्पाइस को टॉर्चर करके उनके सीक्रेट्स पता करता था, और यही काम इस बार वो लॉयड के साथ करने वाला था। अब सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं ताकि योर के भाई योरी को कुछ भी फेक न लगे और वो सभी एक हैप्पी फैमिली दिखे। इसके लिए वो अपने घर में कुछ ऐसी चेंजिंग्स करते हैं जिससे ये लगे कि वो एक हैप्पी फैमिली है। दूसरी तरफ आने अपने अंकल से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वो इंतजार करते करते ही सो जाती है। योरी अपनी बहन के लिए फ्लावर्स का एक बुके लाता है, लेकिन उसको अपनी बहन योर का किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था। योर उसे बताती है कि वो और लॉयड एक साल से साथ है, इसीलिए योरी को उन पे शक हो जाता है। ऊपर से लॉयड भी काफी स्वीट बिहेव कर रहा था, जिससे योरी का शक और गहरा हो गया था। दूसरी तरफ लॉयड जब योरी से उसके काम के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलता है, जिससे लॉयड को उस पे शक हो जाता है। लॉयड ने फ्रेंकी से उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही ले ली थी, मगर अब उसका शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि लॉयड को पता चल गया था कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है। लेकिन लॉयड और योर उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और उसे ये यकीन दिला देते हैं कि वो एक रियल कपल है। ये सुन के योरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सोचता है कि लॉयड इतना भी बुरा नहीं जितना वो सोच रहा था, लेकिन वो अपनी बहन के लिए अभी भी फिक्रमंद था। दूसरी तरफ लॉयड को भी योर और योरी पे शक हो गया था, क्योंकि योरी एक दूसरे कंट्री का स्पाई था, और ये मुमकिन था कि योर उसे धोखा दे रही हो। इसलिए वो योर को टेस्ट करने का सोचता है, क्योंकि वो एक स्पाई था और वो किसी पे भी एतबार नहीं कर सकता था, अपनी फेक वाइफ पे भी नहीं। वो योर को इग्नोर करने लगता है, जिससे योर को लगता है कि वो एक अच्छी वाइफ की तरह एक्ट नहीं कर रही, और वो सारा दिन इसी के बारे में सोचती रहती है और परेशान होती है कि लॉयड उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। अब रास्ते में उसे दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, जो कि उससे योरी और लॉयड के बारे में पूछते हैं। वो उन दोनों के बारे में उन पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती, और ना ही योरी के सीक्रेट मिशन के बारे में कुछ बताती है, जिस पे वो ऑफिसर उसे जाने देते हैं। जब वो चली जाती है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स कोई और नहीं बल्कि लॉयड और फ्रेंकी थे। लॉयड को अब यकीन हो गया था कि योर उसे धोखा नहीं दे रही, और अब वो उस पे एतबार करने लगा था, इसलिए अब वो योर के साथ अपना बिहेवियर दोबारा से नॉर्मल कर लेता है। शाम को आन्या लॉयड और योर को अपने स्कूल में होने वाले एक डॉज बॉल कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है, और उसमें जीतने वाले MVP को एक स्टार भी मिलेगा। दूसरी तरफ उस कॉम्पिटिशन का डैमियन को भी पता चल गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा था, जो कि एक नॉर्मल तरह की ट्रेनिंग थी, जैसे किसी हिल पर बिना सेफ्टी के चढ़ना। दूसरी तरफ योर आन्या को कुछ मूव सिखाती है, और कुछ मूव्स तो ऐसे थे जो कि डॉज बॉल कॉम्पिटिशन में यूज करने अलाउ ही नहीं थे। और अब जब वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो ओपोनेंट टीम में एक बच्चा जिसका नाम बिल था, वो बहुत अच्छा खेलता है। उसकी उम्र 6 साल थी, और उसकी एक थ्रो से ही आधी टीम एक ही बार में नॉकआउट हो जाती है। थोड़ा और खेलने के बाद तकरीबन पूरी ही टीम नॉकआउट हो चुकी थी, और अब टीम में सिर्फ डैमियन और आन्या बचे थे। आन्या उसके थ्रो को डॉज कर लेती है, क्योंकि वो उसका माइंड पढ़ रही थी। ये देख के सब हैरान थे, लेकिन अगले ही लम्हे आन्या का पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है, जिस पे डैमियन खुद आगे आके उसको बॉल लगने से बचा लेता है। अब आन्या एक लंबा सांस लेके नेक्स्ट मूव लेने वाली थी, जो योर ने उसे सिखाया था, लेकिन ये मूव बहुत ही बुरा था और आन्या भी नॉकआउट हो जाती है। दूसरी तरफ बिल, जिसने अकेले ही अपनी पूरी टीम को जितवा दिया था, उसको MVP का अवार्ड मिल जाता है, लेकिन उसे कोई स्टार नहीं मिलता, क्योंकि ये एक अफवाह थी जो बेकी ने आन्या को बताई थी। अब कुछ दिनों बाद आन्या का एक टेस्ट था, जिसमें आन्या बुरी तरह फेल हो जाती है। ये देख के लॉयड समझ गया था कि आन्या का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, इसलिए वो उसे बाकी चीजों में ट्रेन करता है। दूसरी तरफ आन्या ने भी सोच लिया था कि वो ये नोट कर लेगी कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेस्ट है, और इस तरह वो उनके आंसर्स कॉपी कर लेगी, लेकिन आन्या कुछ भी नहीं सीख पाती। तभी लॉयड को पता चलता है कि वॉलंटियर बन के भी स्टार्स हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए वो आन्या को एक हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन आन्या वहाँ भी सब कुछ खराब कर देती है। और जब उन्हें हॉस्पिटल से निकाला जा रहा होता है, तो आन्या अपनी टेलीपैथ पावर के जरिए ये पता लगाती है कि पूल में कोई बच्चा गिर रहा है। ये सब पता लगने के बाद वो काफी परेशान होती है, क्योंकि उस बच्चे को तैरना नहीं आता था और वो डूब रहा था। वो लॉयड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो लॉयड को ये सब बता देगी तो लॉयड को उसकी पावर का पता चल जाएगा, इसलिए वो उसे सही से नहीं बता पाती और वहाँ से पूल की तरफ भाग जाती है, ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। लेकिन आन्या को भी तैरना कहाँ आता था, जिस पर लॉयड उन दोनों को खुद पूल में कूद के बचा लेता है। अब ये इंसिडेंट स्कूल में काफी मशहूर हो गया था, जिसकी वजह से आन्या को
म्यूजिक स्टार भी मिल गया था। अब स्कूल में सभी बच्चे सिवाय डैमियन के आनिया की इस खुशी में खुश थे, क्योंकि आनिया स्कूल के सबसे छोटी बच्ची थी जिसको स्टार मिला था। लेकिन अभी भी आनिया अपने फादर का ड्रीम पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी टेलीपैथ पावर के जरिए डैमियन का माइंड पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि डैमियन के पास एक डॉग है जिसका नाम मैक्स है। अब आनिया एक प्लान बनाती है कि वो भी एक पेट डॉग रखेगी ताकि वो डैमियन के करीब जा सके और इस तरह वो अपने फादर का मिशन पूरा करके दुनिया में अमन ला सके। अब एक अंडरग्राउंड जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत से डॉग्स को कैद किया गया था, लेकिन उनमें एक डॉग बहुत ही खामोशी से बैठा था। इसके बाद लॉयड एक और लेडी के पास जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हैंडलर ही थी। उसे बताती है कि उसे मिशन के अलावा साइड मिशंस को भी पूरा करना होगा क्योंकि ऑस्टानिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। एक दिन काफी ज्यादा थका हुआ लॉयड घर वापस आ रहा था, तभी उसे कुछ औरतों की आवाज आती है जो कि एक दूसरे से बात कर रही थी कि लॉयड अपनी फैमिली को बिल्कुल वक्त नहीं देता। ये सुन के लॉयड को बुरा लगता है। उसे ये रियलाइज होता है कि वो इन सभी में वाकई अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। अब वो भाग के ऊपर जाता है और अपनी फैमिली को अनाउंस करता है कि इस वीकेंड पर वो सभी आउटिंग करेंगे और तब तक अपने सारे मिशंस भी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जब तक वीकेंड आता है लॉयड मुसलसल काम की वजह से काफी ज्यादा थक गया था और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, जिस पे योर उस प्लान को पोस्टपोन करने को कहती है। लेकिन लॉयड कहता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे और आज ही बाहर जाएंगे। अब वो सभी एक एक्वेरियम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लॉयड को एक मिशन मिल जाता है। उसे एक ऐसा पेंगुइन ढूंढना था जो कल ही लाया गया था और उसके पेट में एक कैप्सूल था और वो कैप्सूल काफी खतरनाक था। तभी वहाँ पर लॉयड के पड़ोसी दोबारा आ जाते हैं, जिस पे योर उन्हें अपने साथ चलने का इन्विटेशन भी दे देती है। अब ये सब लॉयड के लिए काफी परेशान कुन था। वो सभी लॉयड के कहने पे पेंगुइन्स को देखने जाते हैं, लेकिन लॉयड इतने ज्यादा पेंगुइन्स में से वो सीक्रेट पेंगुइन कैसे ढूंढ सकता था। अब आनिया लॉयड का माइंड रीड करके एक पेंगुइन की तरफ इशारा करती है कि ये काफी बीमार दिख रहा है, जिस पर लॉयड एक वर्कर का भेस बदल के उस पेंगुइन को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है जो लॉयड पे अटैक करने ही वाला था कि लॉयड उल्टा उस पे अटैक कर देता है। ये देख के टेररिस्ट वहां से भाग जाता है, लेकिन आनिया उसे पकड़ लेती है। तभी वहां पे योर आती है। ये सब देख के उसे लगता है कि वो टेररिस्ट आनिया को दोबारा से किडनैप करने आया है, जिस पे वो उस टेररिस्ट को किक मार के वहां से भगा देती है। और आखिर में लॉयड आनिया को एक टॉय पेंगुइन दिलवाता है, जिस पे सभी पड़ोसियों को यकीन हो गया था कि लॉयड एक फैमिली मैन है। अब वो सभी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इसके साथ ही एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।